इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा राजस्थान हाई कोर्ट LDC एग्जाम के लिए राजस्थान जीके के टॉप 100 क्वेश्चन के पार्ट 6 की चर्चा करूंगा। डेली आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं राजस्थान जीके के, जो कि राजस्थान एग्जाम में अलग अलग भर्तियों में पूछे गए क्वेश्चनों का संग्रह है। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करना, और डेली आपको करंट अफेयर के दो पार्ट हमारे देखने को मिलते हैं यूट्यूब चैनल पर। एक आपको 4:45 बजे हाईकोर्ट LDC के लिए टॉपिक वाइज करंट अफेयर, और दूसरा आपको 9 PM पर देखने को मिलता है। और अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अब बात करता हूँ टॉप 100 क्वेश्चन में पहले क्वेश्चन की, जो कि राजस्थान की अलग अलग भर्तियों में क्वेश्चन पूछे गए थे। रणखार रिजर्व कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, रणखार रिजर्व आपके जालौर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आनासागर झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, आनासागर झील आपके राजस्थान के अजमेर जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजियाना पुरास्थल राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ओजियाना पुरास्थल राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में स्थित है। और अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आपको इंडिया जीके और इंडिया करंट अफेयर टॉपिक वाइज क्विज बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयपुर में मीनाकारी की कला किस शासक के शासनकाल में हुई है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, जयपुर में मीनाकारी की कला मानसिंह प्रथम शासक के शासनकाल में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैप सागर झील कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, गैप सागर झील आपके डूंगरपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मालाणी पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, मालाणी पहाड़ी आपके बाड़मेर और जालौर क्षेत्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डबोक हवाई अड्डा किस जिले में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, डबोक हवाई अड्डा आपके उदयपुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगीत राज, संगीत मीमांसा और सूड प्रबंध के रचनाकार कौन थे? संगीत राज, संगीत मीमांसा और सूड प्रबंध के रचनाकार थे महाराणा कुंभा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिमणिया आभूषण स्त्रियां शरीर के किस भाग में पहनती हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, तिमणिया आभूषण स्त्रियां शरीर के गले में पहनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्मी क्यूलाइट राजस्थान में कहाँ पाया जाता है? तो वर्मी क्यूलाइट आपके राजस्थान के अजमेर जिले में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान ऊर्जा विकास एजेंसी की स्थापना कब की गई? तो राजस्थान ऊर्जा विकास एजेंसी की स्थापना 1985 में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत पाकिस्तान की सीमा को किस रेखा के नाम से जाना जाता है? तो भारत पाकिस्तान की सीमा को रेडक्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोटा राज्य का संस्थापक शासक कौन था? तो कोटा राज्य का संस्थापक शासक था माधोसिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिछवाई कलाकृतियों में बने चित्र उद्धृत किए गए हैं? तो पिछवाई कलाकृतियों में जो चित्रित हैं वो भगवान कृष्ण के जीवन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणगौर का त्यौहार किस तिथि को मनाया जाता है? तो गणगौर का त्यौहार आपके चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करना, डेली आपको राजस्थान जीके के 100 क्वेश्चन इसी तरह देखने को मिलेंगे, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुचला महावीर मंदिर कहाँ स्थित है? तो मुचला महावीर मंदिर आपके घाणेराव पाली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की SDG रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो राजस्थान की SDG रिपोर्ट आर्थिक और सांख्यिकी निदेशालय द्वारा जारी की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोवंश की कौन सी नस्ल मालाणी भी कहलाती है? तो गोवंश की थार पारकर नस्ल को मालाणी भी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वल्या आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो वल्या आभूषण आपके हाथों में पहना जाने वाला आभूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश हितेशणी सभा की स्थापना कहाँ की गई है? देश हितेशणी सभा की स्थापना उदयपुर शहर में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरंदर की संधि कब हुई? तो पुरंदर की संधि 1665 में हुई है। किसके बीच में हुई है? तो शिवाजी और जयसिंह के बीच में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोटा बूंदी और झालावाड़ में कौन सी मृदा पाई जाती है? कोटा बूंदी और झालावाड़ में मध्यम काली प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लसाड़िया का पठार कहाँ स्थित है? तो लसाड़िया का पठार आपके उदयपुर शहर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयपुर मेट्रो रेल की व्यावसायिक सेवाओं की शुरुआत किस वर्ष हुई है? जयपुर मेट्रो रेल की व्यावसायिक सेवाओं की शुरुआत 2015 में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मान सीमा भ्रंश राजस्थान के किस भाग में मिलता है? मान सीमा भ्रंश राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
राजस्थान के हस्तशिल्प विकास के लिए कौन सा वित्तीय संस्थान उत्तरदायी है? राजस्थान के हस्तशिल्प विकास के लिए राजसी को उत्तरदायी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयपुर रियासत के पंचरंगा ध्वज को किस शासक द्वारा बनवाया गया है? तो जयपुर रियासत के पंचरंगा ध्वज को मानसिंह के द्वारा बनवाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैष्णव धर्म का प्राचीनतम अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो वैष्णव धर्म का प्राचीनतम अभिलेख घोसुंडी से प्राप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोमपुरा शैली जानी जाती है? तो सोमपुरा शैली आपके स्थापत्य के लिए जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरस्वती नदी का लुप्त होने का उल्लेख महाभारत में कहाँ हुआ है? तो सरस्वती नदी का लुप्त होने का उल्लेख विंसन स्थान पर हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किलकिला तोप का संबंध किससे है? तो किलकिला तोप का संबंध मेहरानगढ़ दुर्ग से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ललित ललाम ग्रंथ के लेखक कौन है? तो ललित ललाम ग्रंथ के लेखक है मतीराम। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस चौहान रानी ने अपने नाम के सिक्के चलवाए थे? तो रानी सोमल देवी ने अपने नाम के सिक्के चलवाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुसुम्बा किससे संबंधित है? तो कुसुम्बा आपके अफीम और शराब से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उदयपुर राज्य का राजस्थान में विलय कब हुआ? तो उदयपुर राज्य का राजस्थान में विलय 18 अप्रैल 1948 को हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, चावंड महाराणा प्रताप के कितने वर्षों तक राजधानी रही है? चावंड महाराणा प्रताप के 12 वर्षों तक राजधानी रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निमाड़ी उपबोली किसकी है? तो निमाड़ी उपबोली आपके मालवी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुदर्शनगढ़ का किला किसे कहा जाता है? तो सुदर्शनगढ़ का किला नाहरगढ़ दुर्ग को कहा जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करना। डेली करंट अफेयर के 2 पार्ट आपको देखने को मिलते हैं, 1:45 बजे और 1:09 PM पर, 4:45 और 9 PM पर, जो कि आपके राजस्थान हाईकोर्ट LDC एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय प्राचीन लिपिमाला के लेखक कौन है? भारतीय प्राचीन लिपिमाला के लेखक है गौरीशंकर हीराचंद ओझा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चार चौमा का शिव मंदिर कहाँ स्थित है? चार चौमा का शिव मंदिर कोटा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डूंग जी और जवाहर जी किस जिले से थे? तो डूंग जी और जवाहर जी आपके सीकर जिले से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीणा क्षत्रिय सभा की स्थापना कब की गई है? मीणा क्षत्रिय सभा की स्थापना 1933 में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीकानेर नगर की स्थापना किसने की है? बीकानेर नगर की स्थापना राव बीका ने की है। कब की है? 1488। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैणेश्वर का मेला कब लगता है? तो बैणेश्वर का मेला माघ पूर्णिमा को लगता है। और कहाँ पर लगता है? तो डूंगरपुर में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तारा शर्मा किस नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार हैं? तारा शर्मा आपके भवाई नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरकेली नाटक के रचयिता कौन है? तो हरकेली नाटक के रचयिता है विग्रहराज। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल नाथजी के संप्रदाय के संत थे? तो लाल नाथ जी आपके जसनाथी संप्रदाय के संत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिलाड़ा का संबंध किस लोक देवी से है? बिलाड़ा का संबंध आई माता से। नेक्स्ट क्वेश्चन, खुंगाली आभूषण शरीर के किस भाग में पहना जाता है? खुंगाली आभूषण शरीर के गले में पहने जाने वाला आभूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, पन्ना मीना का कुंड कहाँ स्थित है? पन्ना मीना का कुंड आपके जयपुर शहर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस लोक देवता का मंदिर लूणी नदी के किनारे स्थित है? तो लोक देवता मलिनाथ जी का मंदिर लूणी नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रागमाला किस शैली का प्रसिद्ध चित्र है? तो रागमाला आपके चावंड शैली का प्रसिद्ध चित्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीठू मेया के रिवाले में किसके वीरतापूर्ण कार्य का उल्लेख है? बीठू मेया के रिवाले में गोगा जी के वीरतापूर्ण कार्य का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिला बाग का झालरा कहाँ स्थित है? तो महिला बाग का झालरा गुलाब सागर झील में स्थित है। और गुलाब सागर झील कहाँ स्थित है? जोधपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेवाड़ के किस शासक को हाल गुरु के नाम से भी जाना जाता है? तो मेवाड़ के शासक महाराणा कुंभा को हाल गुरु के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेवाड़ के गुल शासकों का उल्लेख
किस शिलालेख में किया गया है? तो मेवाड़ के गुहिल शासकों का उल्लेख चिरवा शिलालेख में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, परोपकारी सभा की स्थापना कब की गई है? परोपकारिणी सभा की स्थापना 1883 ईस्वी में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, संत जाम्बोजी को समाधिस्थ कहाँ किया गया है? तो संत जाम्बोजी को समाधिस्थ मुकाम में किया गया, जो कि कहाँ पर स्थित है? बीकानेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थानी हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब की गई है? राजस्थानी हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1934 में की गई और कहाँ पर की गई है? तो राजस्थानी हरिजन सेवक संघ की स्थापना अजमेर में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, नववधू के साथ जाने वाले पुरुष या स्त्री को राजस्थानी संस्कृति में क्या कहते हैं? तो नववधू के साथ जाने वाले पुरुष या स्त्री को राजस्थान संस्कृति में ओलंदी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कौन सा क्षेत्र जैव विविधता का हॉटस्पॉट है? तो भारत का पश्चिमी घाट क्षेत्र जैव विविधता का हॉटस्पॉट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके नेतृत्व में शेखावटी किसान आंदोलन में 10,000 से अधिक जाट महिलाओं ने भाग लिया? तो किशोरी देवी के नेतृत्व में शेखावटी किसान आंदोलन में 10,000 से अधिक जाट महिलाओं ने भाग लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा गांधी नहर परियोजना में लिफ्ट नहरों की संख्या कितनी है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना में लिफ्ट नहरों की संख्या 7 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहजोबाई का संबंध किस संप्रदाय से था? सहजोबाई का संबंध चरणदासी संप्रदाय से था। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवगढ़ पवन ऊर्जा परियोजना राजस्थान के किस जिले में स्थित है? देवगढ़ पवन ऊर्जा परियोजना राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बारा कोठड़ी के नाम से कौन सा राज्य प्रसिद्ध था? बारा कोठड़ी के नाम से आमेर प्रसिद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गलियाकोट तीर्थस्थल किस नदी के किनारे स्थित है? गलियाकोट तीर्थस्थल माई नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्षय तृतीया किस शहर का स्थापना दिवस है? तो अक्षय तृतीया आपके बीकानेर शहर का स्थापना दिवस है। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक करें और चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। डेली आपको राजस्थान जीके के 100 क्वेश्चन इसी तरह देखने को मिलेंगे। जागती ज्योत पत्रिका का प्रकाशन कौन करता है? तो जागती ज्योत पत्रिका का प्रकाशन राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी बीकानेर द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजमेर के संस्थापक कौन थे? तो अजमेर के संस्थापक थे अजयराज। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रेंच कमीशन किससे संबंधित है? ट्रेंच कमीशन बेंगू किसान आंदोलन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुंजा नामक घोड़ा किस राजा से संबंधित था? तो हुंजा नामक घोड़ा आपके बूंदी के राजा उमेद सिंह से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरनावा गांव के संत से जुड़ा महत्वपूर्ण स्थल है? हरनावा गांव रानाबाई के संत से जुड़ा महत्वपूर्ण स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हसमत वाला राजा किस शासक को कहा गया? तो हसमत वाला राजा राव मालदेव को कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अबुल फजल ने हल्दीघाटी युद्ध को क्या कहा है? अबुल फजल ने हल्दीघाटी युद्ध को खमनौर का युद्ध कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय कृषि आयोग ने सामाजिक वानिकी पद का उपयोग सबसे पहले कब किया है? तो राष्ट्रीय कृषि आयोग ने सामाजिक वानिकी पद का उपयोग सबसे पहले 1976 में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूपायन संस्थान कहाँ स्थित है? तो रूपायन संस्थान आपके बोरुंदा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घग्गर मैदान के विस्तार वाले जिले कौन से हैं? तो घग्गर मैदान के विस्तार वाले जिले आपके हनुमानगढ़ और गंगानगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगीबाण के संपादक कौन है? तो आगीबाण के संपादक है जयनारायण व्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीलों के वस्त्र के संदर्भ में फैंटा क्या है? तो फैंटा एक प्रकार का सिर का वस्त्र है, जिसे पगड़ी भी कहते हैं। ये भीलों के वस्त्र के संदर्भ में फैंटा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार 0 से 6 आयु वर्ग में राजस्थान का लिंगानुपात कितना है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार 0 से 6 आयु वर्ग में राजस्थान का लिंगानुपात 888 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांसी जनजाति के लोग राजस्थान में मुख्य रूप से किस जिले में पाए जाते हैं? सांसी जनजाति के लोग राजस्थान में मुख्य रूप से भरतपुर जिले में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आजम और जाजम प्रिंट राजस्थान के किस जिले का प्रसिद्ध हस्तशिल्प है? तो आजम और जाजम प्रिंट राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले का प्रसिद्ध हस्तशिल्प है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का न्यूनतम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्र है, जो कि न्यूनतम वर्षा वाला क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पटेलिया, लालर, मूमल और बिछियो ये क्या है? तो ये सब आपके राजस्थानी लोकगीत है, पटेलिया, लालर, मूमल और बिछियो। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेवाड़ का मैराथन किस युद्ध को कहा गया है? मेवाड़ का मैराथन दिवेर के युद्ध को कहा गया है,
जो कि कब हुआ था, 1582 में, और किसने कहा था, कर्नल जेम्स टॉड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में महिला साक्षरता का प्रतिशत कितना है? 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में महिला साक्षरता का प्रतिशत है 52.1%। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर ने किस संत को फतेहपुर सीकरी में आमंत्रित किया था? तो अकबर ने संत दादू दयाल जी को फतेहपुर सीकरी में आमंत्रित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जाखम किसकी सहायक नदी है? जाखम माई की सहायक नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आमेर के राजा जयसिंह प्रथम को मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी थी? आमेर के राजा जयसिंह प्रथम को मिर्जा राजा की उपाधि शाहजहां ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीराम फर्टिलाइजर्स उद्योग कहाँ स्थित है? श्रीराम फर्टिलाइजर्स उद्योग कोटा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्स्टेड स्पिनिंग कहाँ स्थित है? तो वर्स्टेड स्पिनिंग आपके लाडनू नागौर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत का टाटा नगर किसे कहा जाता है? तो प्राचीन भारत का टाटा नगर रेड टोंक को कहा जाता है। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के जिलों को पूर्व से पश्चिम में सही क्रम में व्यवस्थित करें। तो पूर्व से पश्चिम में आपके सही क्रम में धौलपुर पूर्व की ओर है, उसके बाद मध्य में अजमेर, उसके बाद पश्चिम की ओर थोड़ा पाली, और लास्ट पश्चिम में आता किनारे पर जैसलमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस जनगणना वर्ष में राजस्थान में दशकीय वृद्धि दर अधिक थी? तो जनगणना वर्ष 1981 में आपके राजस्थान में दशकीय वृद्धि दर अधिक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाली नस्ल किसकी है? तो नाली नस्ल आपके भेड़ की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाब शाखा वर्ष कहाँ मनाया जाता है? तो पंजाब शाखा वर्ष आपके अजमेर में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भैंसरोड़गढ़ दुर्ग किस श्रेणी में आता है? तो भैंसरोड़गढ़ दुर्ग आपके जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिगोज जिला भीलवाड़ा में किन तीन नदियों के संगम पर स्थित है? तो बिगो जिला आपके बनास, मेनाल और बेड़च की नदियों के संगम पर स्थित है। ठीक इसी तरह से बैणेश्वर डूंगरपुर का पूछा जाए तो यह आपके माई, शोम और जाखम नदियों के त्रिवेणी संगम पर स्थित है। अगर एग्जाम में रामेश्वर घाट का पूछा जाए तो रामेश्वर घाट आपके सवाई माधोपुर में स्थित है, जो कि बनास, शिप और चंबल नदियों के त्रिवेणी संगम पर स्थित है। इसके अलावा लास्ट में अगर आपको राजमहल टोंक का पूछा जाए तो यह आपके डाई, खारी और बनास नदियों के त्रिवेणी संगम पर स्थित है। लास्ट क्वेश्चन, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान आपके बीकानेर में स्थित है। 1857 के विद्रोह के समय राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियाँ थी? इसका राइट आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें।